गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 12 के पोएम 7 के बारे में। तो पोएम को प्रारंभ करने से पहले आइए इसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। यह कहानी एक राजा की है जिसका नाम आर्थर था। वह युद्ध में घायल हो जाता है तथा अपनी तीन रानियों के साथ नाव में बैठकर एवेलियन द्वीप जा रहा है और सर वेडवर जो उस राजा को विदा करता है और दुख के कारण राजा से कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब वह कहाँ जाए। इस पर राजा उसे दुखी न होने की सलाह देता है और कहता है संसार में परिवर्तन आवश्यक है और कोई भी नियम लंबे समय तक नहीं चल सकता है। इस पोयम का टाइटल है फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, जिसको कंपोज किए हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो चलिए देखते हैं। नाव से राजा आर्थर ने धीरे से बेडिवर को उत्तर दिया एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज। बार्ज का मतलब होता है नाव। नाव से राजा आर्थर ने बेडिवर को उत्तर दिया द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड, पुराने नियम बदल जाते हैं, अर्थात पुरानी प्रणाली बदलती है। इल्डिंग प्लेस टू न्यू, और उसके स्थान पर नई प्रणाली आती है। इल्ड का मतलब होता है स्थान लेना, उसके स्थान पर नई प्रणाली आती है। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज, और भगवान अपनी इच्छाओं को अनेक विधियों से पूरा करता है। लेस्ट कहीं ऐसा न हो कि वन गुड कस्टम, एक अच्छी प्रथा, शुड करप्ट द वर्ल्ड। करप्ट का मतलब होता है नष्ट करना, एक अच्छी प्रथा संसार को नष्ट कर दे। फिर राजा कहता है कंफर्ट दाई सेल्फ, तुम अपने अंदर धैर्य रखो। व्हाट कंफर्ट इज इन मी, मैं तुम्हें क्या धैर्य दे सकता हूँ। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने अपना जीवन व्यतीत कर लिया है। एंड दैट विच आई हैव डन, और जो कुछ भी मैंने किया है, मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर। अर्थात ही मतलब भगवान से यहाँ पे मतलब है, भगवान उसे स्वीकार करें और मेरी त्रुटि के लिए क्षमा करें। बट दाऊ, लेकिन तुम, इफ दाऊ, यदि तुम, सुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, यदि तुम मेरा चेहरा दोबारा न देख सको, अर्थात यदि मेरी मृत्यु हो जाए, प्रे फॉर माई सोल, मतलब तुम मेरी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करना, यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो तुम मेरी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करना। मोर थिंग्स आर रॉट बाई प्रेयर, रॉट का मतलब हो जाना या अदा करना। राजा कहते हैं कि बहुत सारी चीजें प्रार्थना के द्वारा अदा हो जाती है या पूरी हो जाती है। देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, मतलब जितना यह संसार के व्यक्ति सोच नहीं सकते हैं, उससे ज्यादा चीजें प्रार्थना के द्वारा पूरी हो जाती हैं। हुवेयर फोर, जिस प्रकार से लेट दाई वॉइस राइज लाइक अ फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे। राजा कहता है कि जिस प्रकार से एक फाउंटेन मतलब फब्बारे से पानी के छींटे निकल कर ऊपर की तरफ जाते हैं, उसी प्रकार से तुम मेरे लिए दिन और रात प्रार्थना करना। राजा आर्थर कहते हैं कि फ्रॉम व्हाट आर मेन बेटर देन शीप एंड गोट्स दैट नरिश अ ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन, मतलब वे मनुष्य भेड़ और बकरियों से अच्छे नहीं होते हैं जो अपना जीवन ब्लाइंड लाइफ मतलब एक अंधे व्यक्ति के समान जीते हैं। विद इन द ब्रेन मतलब मस्तिष्क को प्राप्त करने के बाद भी, अर्थात वे मनुष्य भेड़ या बकरियों से बढ़कर नहीं हैं
जो मस्तिष्क प्राप्त करने के बाद भी अंधे व्यक्तियों के समान अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इफ नोविंग गॉड, भगवान को जानने के बाद भी दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, वे प्रार्थना के लिए हाथ नहीं उठाते हैं। बोथ फॉर देम सेल्वेस एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स, अपने लिए तथा जिन्हें वे अपना मित्र कहते हैं। मतलब ये हो जाएगा कि वे लोग जो भगवान को जानने के बाद भी अपने लिए तथा जिन्हें वे मित्र कहते हैं उनके लिए प्रार्थना के लिए हाथ नहीं उठाते हैं या उनके लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। फार सो द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे बाउंड बाई गोल्ड चेन्स अबाउट द फीट ऑफ गॉड। समझाते हैं कि फार सो, और ऐसा इसलिए है, द होल राउंड अर्थ, पूरी जो पृथ्वी है, इज एवरी वे, हर प्रकार से बाउंड मतलब बांधती है, बाई गोल्ड चेन्स, सोने की जंजीर से, अबाउट द फीट ऑफ गॉड, ईश्वर के पैरों में, ईश्वर के चरणों में। राजा आर्थर कहते हैं कि प्रार्थना एक कड़ी है जो सोने की जंजीर की सहायता से इस विश्व को ईश्वर के चरणों में बांधती है। बट नाउ, लेकिन अब फेयरवेल मतलब हम लोग विदा लेते हैं।